गुड इवनिंग एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का द लर्नर्स पैराडाइज के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस सेशन में हम अपनी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज़ को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। आज हम फिर कुछ प्रीवियस ईयर में आए 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, बेस्ट पॉसिबल वे में देखेंगे, और आने वाले एग्ज़ाम्स में ऐसे क्वेश्चन आए तो उनके लिए हमें पहले ही तैयार रहना पड़ेगा। तो जिन स्टूडेंट्स ने आने वाले एग्ज़ाम्स देने हैं उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और जिन्होंने भाई देने नहीं हैं उनके लिए यहाँ पे कोई काम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बात होगी तो सिर्फ क्वेश्चन से रिलेटेड, पढ़ाई से रिलेटेड ही बात होने वाली है। तो सेशन को शुरू करते हैं, पहले क्वेश्चन को देखते हैं। ये पुलिसमैन थीफ वाली टाइप है, इतनी देर में कईयों ने कर भी लिया होगा। तो देखते हैं कि क्या है इस क्वेश्चन में, कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है, अ थीफ इज स्पॉटेड बाय ए पुलिसमैन फ्रॉम ए डिस्टेंस ऑफ 200 मीटर। यानी कि एक थीफ को स्पॉट किया पुलिसमैन ने कितनी दूरी से, 200 मीटर से। तो हम एक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं जहाँ पे एक पुलिसमैन है, एक थीफ है, ये हमने पी पॉइंट मान लिया पुलिसमैन का, और ये टी पॉइंट मान लिया हमने थीफ का। ये एक दूसरे से कुछ 200 मीटर दूर है। When the policeman starts the chase, the thief also starts running। इसका मतलब कि जब पुलिसमैन उसको पकड़ने के लिए भागता है तो चोर भी अपनी जान बचाने के लिए भागना शुरू कर देता है। एक बेसिक अंडरस्टूड बात है कि अब जो चोर है, थीफ है, वो भागेगा तो वो पुलिसमैन की तरफ तो नहीं भागेगा, वो जाएगा पुलिसमैन से दूर अपनी जान बचाने के लिए। अब कहा ये गया पुलिसमैन थीफ को पकड़ेगा, थीफ अपनी जान बचाएगा, तो बेसिकली दोनों ये सेम डायरेक्शन में जाएंगे। जिस डायरेक्शन में थीफ, उसी डायरेक्शन में पीछे पीछे कौन आएगा जी, पुलिसमैन। कहा ये गया, Assuming speed of thief to be 10 km per hour and that of policeman to be 12 km per hour, thief की speed दे रखी है जी कुछ 10 km प्रति घंटा, और policeman की speed दे रखी है जी कुछ 12 km प्रति घंटा। पूछा ये गया है, How far the thief will have to run before he was overpowered? मतलब पकड़े जाने से पहले thief को कितना distance traveled करना पड़ेगा। हम दो चीज़ें देखेंगे कि thief को कितना distance travel करना पड़ेगा और पुलिसमैन को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा। देखो भाई, थीफ की स्पीड दे रखी है जी कुछ 10 किलोमीटर पर आर, और पुलिसमैन की स्पीड दे रखी है जी 12 किलोमीटर पर आर, दोनों में गैप है कुछ 200 मीटर का। दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे, सेम टाइम पे भागना शुरू करेंगे। पहली बात तो ये कि क्या पुलिसमैन थीफ को पकड़ लेगा? तो हाँ, बिल्कुल पकड़ लेगा। क्यों पकड़ लेगा? क्योंकि पुलिसमैन की जो स्पीड है वो थीफ के कंपैरेटिवली क्या है, ज़्यादा। तो वो किसी ना किसी पॉइंट पे जो है वो थीफ को पकड़ लेगा। इसे एम पॉइंट मान लेते हैं, मीटिंग पॉइंट। ये वो डिस्टेंस है जो थीफ ने ट्रेवल किया, और पुलिसमैन ने ये तो किया ही किया है, साथ में कुछ एक्स्ट्रा डिस्टेंस ट्रेवल किया है। कितना? ये 200 मीटर। देखिए, इस केस को हम कहते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि जब दोनों का स्टार्टिंग टाइम एंड मीटिंग टाइम क्या होता है जी, सेम। स्टार्टिंग टाइम एंड मीटिंग टाइम सेम का मतलब कि ये सेम टाइम पर भागना शुरू किया और सेम टाइम पर ये मिले। तो जब टाइम कांस्टेंट होता है, डिस्टेंस और स्पीड आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। यहाँ पे स्पीड की रेशियो हमारे पास आई है जी 12:10, यानी कि पुलिसमैन की 12 और थीफ की 10। तो यहाँ से डिस्टेंस की रेशियो भी कितनी निकलेगी, 12:10, जिसे हम लिख सकते हैं 6:5। यानी कि 6 parts डिस्टेंस ट्रेवल किया किसने, थीफ ने, और 6 parts डिस्टेंस ट्रेवल किया पुलिसमैन ने, और 5 parts डिस्टेंस ट्रेवल किया थीफ ने। अब इन दोनों का गैप जो है ना, ये 1 part है। इस 1 part की वैल्यू हमें दे रखी है 200 मीटर, क्योंकि ये 200 मीटर डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है किसने जी, पुलिसमैन ने। तो 1 part की वैल्यू यहाँ पे 200 आई। हमसे थीफ का पूछा है तो 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा, 1000 meters। और अगर पुलिसमैन का पूछेगा तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 200 × 6 हमारे पास निकल के आएगा जी 1200 meters, विच इज़ 1.2 kilometers, एंड दिस इज़ 1 kilometer। हमसे पूछा था थीफ का, तो आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए।
ये काफ़ी बार एग्ज़ाम्स में पूछा गया है, पूछा जा भी सकता है, तो इसे नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कहा यह गया, अ पर्सन परफॉर्म्स द ऑनवर्ड जर्नी फ्रॉम हाउस टू ऑफिस एट ए स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आर एंड द बैकवर्ड जर्नी एट ए स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आर। यानी कि कुछ दो पॉइंट्स की बात की गई है, एक घर है और दूसरा ऑफिस है। इसका नाम दे देते हैं जी पॉइंट, विच इज़ घर, और ऑफिस को ओ पॉइंट दे देते हैं। एक बंदा पहले घर से ऑफिस जाता है, किस स्पीड पे जाता है? कहा गया कुछ 30 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे जाता है, और ऑफिस से घर वापस आता है किस स्पीड पे आता है? 20 किलोमीटर पर आर की स्पीड पे आता है। पूछा ये गया है कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है इस पूरे ट्रैक पे, पूरी जर्नी पे। देखें, ये एक ऐसा केस है जहाँ पे जाने का और आने का डिस्टेंस सेम है, और हमें डिस्टेंस जो है वो गिवन नहीं है। डिस्टेंस गिवन नहीं है तो यहाँ पे हमें डिस्टेंस सपोज करना पड़ेगा। उससे पहले इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला जो है वो है 2s1s2/s1+s2, और ये फॉर्मूला से करना हमारे लिए यहाँ पर पाप है, ये गलत चीज़ है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला जो है वो लिमिटेड से केसेस में ही लगता है, हर एक केस में नहीं लगता। इस पे ज़्यादा चर्चा नहीं करते। एवरेज स्पीड का मतलब आप समझें, एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। भी आपने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया और आपको टोटल टाइम कितना लगा, तो यहाँ पे जो है वो डिस्टेंस गिवन नहीं है। डिस्टेंस सपोज करेंगे 30 और 20 का एलसीएम, यानी कि आप यहाँ पे मानेंगे कि जो टोटल डिस्टेंस है 30 और 20 का वो कितना हो गया, 60 किलोमीटर। इट मींस कि 60 किलोमीटर गए और 60 ही किलोमीटर आए, तो यहाँ पे आएगा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना आएगा, 120 किलोमीटर। हमें अब क्या निकालना है, टोटल टाइम। देखें, जाते वक्त 30 की स्पीड पे जाना है, 60 किलोमीटर जाने के लिए कितना टाइम लगेगा, कुछ 2 घंटे लगेंगे। आते वक्त 20 की स्पीड पे आना है तो कितना टाइम लगेगा, 3 घंटे। तो टोटल कितना लगा, 3 और 2 5, 120/5 निकल के आएगा 24 किलोमीटर पर आर। सो दिस इज़ एवरेज स्पीड, कितना आ जाएगा जी, ऑप्शन डी। एवरेज स्पीड भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी बार इससे क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसे भी बड़ा केयरफुली नोट कर लेना। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या कहा गया है, थोड़ा सा ट्रिकी है ये क्वेश्चन, समझते हैं। कहा यह गया, इन ए कॉलेज अ टीचर स्टार्ट्स टेकिंग क्लास एट 1 PM एंड कॉन्टिन्यूज अप टू 3:52 PM, यानी कि 3:52 तक वो टीचर क्या करता है, लेक्चर लेता है। In all, he takes 4 classes and that a time of 4 minutes is lost in moving from one class to other. समझें कि 1:52 तक एक टीचर जो है वो क्या करता है, स्कूल में, कॉलेज में लेक्चर देता है। इस ड्यूरेशन में वो कुल 4 जो है वो क्लासेस लेता है, और एक क्लास से दूसरी क्लास जब टीचर जाता है तो कुछ 4 मिनट क्या हो जाते हैं, वेस्ट। समझे, ये पहला लेक्चर है, यहाँ पहला लेक्चर ख़त्म हुआ, दूसरा लेक्चर शुरू हुआ, दूसरा लेक्चर ख़त्म हुआ, तीसरा लेक्चर शुरू हुआ, तीसरा लेक्चर ख़त्म हुआ, चौथा लेक्चर शुरू हुआ, और यहाँ पे चौथा लेक्चर जाके क्या हो जाएगा, ख़त्म। समझे, जब वो टीचर 4 लेक्चर ले जाए, 4 लेक्चर में उसको 3 बारी क्लासेस बदलनी पड़ती हैं, एक यहाँ पे, दूसरी यहाँ पे और तीसरी यहाँ पे, और 4 लेक्चर्स में 3 करता है, तो अगर 5 होते तो वो 4 बारी करता, 10 होते तो वो 9 बारी करता। अब 4 लेक्चर्स लिए तो 4 लेक्चर्स में 3 पे क्या हुआ, क्लास चेंज करनी पड़ी, तो हर एक बारी कितने मिनट्स का लॉस हुआ, 4 मिनट का। तो 4 मिनट यहाँ गए, 4 मिनट यहाँ गए, और 4 ही मिनट यहाँ गए। इट मीन्स इन टोटल जो टाइम वेस्ट हुआ वो कितना हुआ, 12 मिनट।
कितना हुआ जी 12 मिनट। इट मीन्स इसमें से हम 12 मिनट माइनस कर देंगे तो लगा लो कि उसने बेसिकली 3:40 तक ही काम किया, अगर वो नॉन स्टॉप काम करता है तो। अब 1 बजे से लेके 3:40 तक बंदा काम कर रहा है तो इसे हम कहते हैं 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स। 2 आवर्स एंड 40 मिनट्स को हम लिख सकते हैं 160 मिनट। इट मीन्स कि वो 160 मिनट के लेक्चर देता है और उस 160 में कितने लेक्चर्स देता है जी, वो कुछ 4 लेक्चर्स देता है। तो एक लेक्चर कितनी देर का होगा, 40 मिनट, विच इज़ ऑप्शन सी। इट इज़ ऑल्सो ए गुड क्वेश्चन, नोट कर लेना भाई। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी एक लाजवाब क्वेश्चन है। कहा इसमें क्या गया है, एन इंसेक्ट क्रॉल्स एट ए रेट ऑफ 3 मीटर पर मिनट अप ए वर्टिकल पोल ऑफ ए हाइट 15 मीटर। एक पोल है भाई, अब पोल पे एक इंसेक्ट जो है वो, पहले तो पोल की हमें हाइट दे रखी है, कितनी दे रखी है जी 15 मीटर। एक इंसेक्ट जो है वो हर एक मिनट में कुछ 3 मीटर क्या करता है, ऊपर चला जाता है। अब आगे ये कहा गया, एवरी सेकेंड मिनट इट स्लाइड्स थ्रू 1 मीटर। अगले मिनट में क्या करेगा, वो 1 मीटर के आ जाएगा नीचे। पहले वो ऊपर जाता है, अगले में वो नीचे आता है, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आएगा, फिर ऊपर जाएगा, नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, नीचे आएगा। हमसे पूछा ये गया है, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू टच द टॉप ऑफ द पोल, ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। ये एक बहुत प्यारा क्वेश्चन है, ये टाइम एंड वर्क में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, पाइप्स एंड सिस्टम में भी ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। तो इस क्वेश्चन को समझें कि जो इंसेक्ट है वो पहले मिनट काम क्या कर रहा है, वो पहले मिनट कुछ 3 मीटर ऊपर जा रहा है, तो इसे हम +3 लिख देंगे। और दूसरे मिनट में वो क्या करता है, कुछ 1 मीटर नीचे आता है, इसे हम -1 मीटर लिख देंगे। अब तीसरे मिनट में भी क्या होना था भाई, 3 मीटर ऊपर जाना था, और फोर्थ में क्या होना था, 1 मीटर नीचे आना था। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि हर 2 मिनट में काम क्या होना था, सेम, कितना होना था, 2 मीटर। देखें 3 मीटर ऊपर गया, 1 मीटर नीचे आया, तो 2 मिनट में वो 2 मीटर ऊपर गया, ये एंड रिजल्ट निकल के आया। अब जब पॉजिटिव के साथ नेगेटिव काम होता है, क्या करो, टोटल वर्क में से प्लस वाली एफिशिएंसी को क्या कर दो, माइनस। जैसे टोटल वर्क का मतलब पोल की हाइट कितनी है, 15 में से +3 को हम माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12। आप क्या करें, आप 12 मीटर तक इंसेक्ट को ऊपर लेके जाएंगे। देखें 2 मिनट में अगर वो कुछ 2 मीटर जा रहा है तो 12 मीटर तक हमने लेके जाना है, यानी कि 6 टाइम्स ही टाइम लगेगा। 12 मिनट लगे और 12 मिनट में वो कुछ 12 मीटर ऊपर पहुंच गए। अब देखें 13th मिनट ऐसा है, 13th मिनट में क्या होगा कि वो इंसेक्ट ऊपर जाएगा, कितना ऊपर जाएगा, 3 मीटर ऊपर जाएगा। अगर वो 3 मीटर ऊपर जाएगा तो 12 मीटर पहले जा चुका था, 3 मीटर और जाएगा तो इन टोटल कितना हो जाएगा, 15 मीटर। इट मींस कि 13 मिनट्स लगेंगे इन टोटल इस इंसेक्ट को टॉप पे पहुंचने के लिए। तो इसमें जो है वो ऑप्शंस जो है वो गलत डल गई हैं, ABCD में से ऑप्शन नहीं है। बट इस क्वेश्चन को करने का प्रोसेस यही है कि जब पॉजिटिव और नेगेटिव एफिशिएंसी दोनों आती है तो आप टोटल वर्क में से पॉजिटिव वाले को क्या कर दें, माइनस, फिर आप अकॉर्डिंगली इसे एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे जो आंसर आने वाला है वो कितना आने वाला है जी, 13 मिनट। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ऑप्शंस इसकी बाय चांस गलत डल गई हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अ फादर टोल्ड हिज सन, एक फादर साहब ने अपने सपुत्र को कहा, एट द टाइम ऑफ योर बर्थ, आपके बर्थ के समय, आई वॉज एज ओल्ड एज यू आर एट प्रेजेंट, कि मैं उतनी उम्र का था जो आज आपकी उम्र है। इफ फादर इज 38 years old नाउ, आज फादर साहब की कुछ एज दे रखी है, कितने ईयर्स भाई, कुछ 38 साल। हमसे पूछा ये गया है, देन वॉट वॉज द सन्स एज 5 years back। या तो आप इसे बाय ऑप्शन कर सकते हैं, अगर आप इसे बाय ऑप्शन नहीं करना चाहते, वैसे तो एजेस के मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस बाय ऑप्शन हो जाते हैं, बट आप इसे सोचना चाहते हैं कि कैसे करेंगे, तो आप यहाँ देखें कि अगर
आज ये दे रखा है कि फादर साहब की जो एज है वो कितनी है जी, 38 साल। इसके लिए एक चीज़ समझते हैं, आज अगर किसी की एज 15 साल है, 15 साल एज का मतलब उसका आज से 15 साल पहले ही क्या हुआ था, बर्थ। कोई बंदा आज 22 सालों का है, इट मींस बर्थ उसका आज से 22 साल पहले हुआ था, ठीक है। अब समझें, हमसे पूछा क्या गया है, सन की एज, वो भी 5 साल पहले, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करते हैं, हम सन की प्रेजेंट एज सपोज कर लेते हैं कितनी, एक्स ईयर्स। हम मानते हैं कि सन आज एक्स ईयर्स का है। अगर सन आज एक्स ईयर्स का है, इट मींस आज से एक्स ईयर्स पहले ही वो पैदा हुआ था। आज से अगर एक्स ईयर्स पहले पैदा हुआ था तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे डेफिनेटली फादर साहब भी छोटे थे। ये तो है नहीं भाई, आप खुद सोचो, आज आपकी जो एज है और आज आपके जो फादर की एज है, आपके बर्थ के टाइम पे भी फादर की वही एज थी जो उनकी आज है, नहीं है ना भाई ऐसा? अगर नहीं है तो बात यह है कि अगर आगे जाते हैं तो फादर की एज भी बढ़ती है, आपकी एज भी बढ़ती है, अगर आप पीछे जाते हैं तो आपके फादर की एज भी कम होगी, आपकी एज भी कम होगी, सिंपल सा प्रोसेस है। अब क्या हुआ कि अगर सन की एज हम एक्स ईयर्स सपोज करते हैं, इट मींस वो एक्स ईयर्स पहले उसका बर्थ हुआ था, इट मींस फादर साहब की एज उसके बर्थ के टाइम पे कितनी थी, 38 माइनस एक्स ईयर्स। और फादर साहब यही कह रहे हैं कि जो आपकी आज की एज है वो आपके बर्थ के टाइम पे मेरी एज होती थी, तो 38 माइनस एक्स इक्वल्स टू एक्स आ गया। यहाँ से हम 2x की वैल्यू निकालेंगे, 38, तो x की वैल्यू निकल के आएगी 19 ईयर्स। और ये 19 ईयर्स x का मतलब कि आज, x का मतलब सन की एज आज कितनी है, 19 साल। बट इसका आंसर 19 नहीं आएगा, हमसे ये पूछा है कि सन की एज बतानी है 5 ईयर्स बैक, यानी कि 5 साल पहले। तो ऑप्शन ए हमारे पास आंसर आ जाएगा, 19 माइनस 5, विच इज 14। 5 साल आगे जाओगे तो आपकी एज बढ़ जाएगी, पीछे जाओगे तो कम हो जाएगी। ये सिर्फ आपके साथ नहीं है, ये सभी के साथ ही ऐसा है, राइट। तो ये आज के 5 क्वेश्चंस थे, इसकी ऑप्शंस जो हैं वो गलत थी। बाकी ये अच्छा क्वेश्चन था, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, एवरेज स्पीड इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में पूछी गई है, और पुलिसमैन थीफ वाला केस भी काफ़ी केसेस में जो है वो पूछा गया है। ये था आज का सेशन भाई, बढ़िया लगे तो भाई वीडियो को लाइक कर देना, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर देना, और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर देना जिन्होंने एग्ज़ाम्स देने हैं, उन दोस्तों के साथ जिन्होंने एग्ज़ाम्स देने हैं। थैंक यू सो मच।